आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं तुष्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। असम में पिछले एक हफ्ते से बाढ़ की भयावह त्रासदी में समाया हुआ है। यहाँ लाखों आबादी तबाही झेल रही है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। असम में बाढ़ से हुआ हाल बेहाल, आम जीवन हुआ अस्त व्यस्त, राहत बचाव का कार्य है जारी। असम पिछले एक हफ्ते से बाढ़ की भयावह त्रासदी में समाया हुआ है। यहाँ लाखों की आबादी तबाही झेल रही है। असम के 35 में से 33 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 2 लाख लोगों को 744 राहत कैंपों में भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 23,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। दरअसल सेंट्रल वाटर कमीशन बुलेटिन के अनुसार कोपली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से फोन पे बात की है। बता दें कि इस साल असम में ये दूसरे चरण की बाढ़ है, जिसमें लाखों घर पानी में डूब गए हैं और कई इलाकों में परिवहन संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ की तबाही के कारण 47,72,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तो वहीं असम सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 1,425 राहत शिविर भी खोले हैं, जहां 2,31,819 लोगों ने शरण ले रखी है। पिछले सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण असम के अलावा मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी हजारों लोग बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। तो दूसरी ओर बाढ़ के पानी से 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही सड़कें टूट गई हैं और रेल मार्ग बाधित हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग की एक ताजा रिपोर्ट में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में राज्य सरकार अब बचाव कार्य में सेना की ज्यादा से ज्यादा मदद लेने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।